विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल भूना वेलकम इन डे 23 ऑफ क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, और कोल और पेट्रोलियम क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। तो सबसे पहले हमें जानने की क्या जरूरत है कि व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? ऐसे मटेरियल जो हमारे नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। और जो क्या करते हैं? हमारे बेसिक नीड को फुलफिल करते हैं। ठीक है, द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन द नेचर एंड फुलफिल आवर बेसिक नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ऐसे मटेरियल जो नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है और हमारी बेसिक नीड को फुलफिल करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल क्या है? कोल, पेट्रोलियम, सोयल, एयर, वॉटर, मिनरल, प्लांट, एनिमल, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। टाइप क्या है नेचुरल रिसोर्सेज के? एग्जॉस्टिबल एंड इन एग्जॉस्टिबल। अब हम देखते हैं कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं एंड इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। लेट मी सी, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज ये ऐसे रिसोर्स हैं जो नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं। ठीक है, द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन द नेचर आर कॉल्ड इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ठीक है, और वो क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्ट नहीं होंगे। मीन्स ह्यूमन अपनी डेली बाय डेली जो भी एक्टिविटी करता है उन एक्टिविटी से वो फिनिश नहीं होंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? वॉटर, एयर। वॉटर का हम यूज कर रहे हैं बट वो क्या है? खत्म नहीं होगा क्योंकि अर्थ पे बहुत सारा वॉटर प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन जो प्योर वॉटर है या फिर ड्रिंकिंग वॉटर है वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर हम उसका कॉन्टिन्यूसली ब्लाइंडली यूज करते रहे तो आने वाले टाइम में वो खत्म हो सकता है, लेकिन वॉटर खत्म नहीं होगा। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या फिर हमारे यूज के लिए जो वॉटर है वो खत्म हो सकता है। वॉटर, एयर, रेनफॉल, क्ले सैंड, ये क्या है? इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स मीन्स जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जो ह्यूमन एक्टिविटी के यूज से फिनिश नहीं होने वाले। ठीक है, लेट मी मूव ऑन सेकंड टाइप, दैट इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। ये ऐसे रिसोर्स है जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन द लिमिटेड क्वांटिटी इन द नेचर एंड लाइकली टू बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटी। मीन्स अगर हम इसका ओवर यूज करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा जो ये क्या है? फिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? फॉरेस्ट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है फॉरेस्ट है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये क्या है? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है वो भी फर्दर टू टाइप में डिवाइड है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। लेट मी मूव ऑन टाइप ऑफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। टाइप ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। पहले हम देखते हैं कि रिन्यूएबल सोर्स क्या है। रिन्यूएबल सोर्स ऐसे रिसोर्स हैं जो अपने आप को रिप्लेनिश कर लेते हैं। ठीक है, द रिसोर्सेज दैट कैन रिप्लेनिश देमसेल्फ बाय क्विक रिसाइक्लिंग एंड रिप्लेसमेंट विद रीजनेबल टाइम। मींस अगर हम उसे प्रॉपरली मैनेज करें तो वो क्या है? कंजर्व रह सकते हैं। उन रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज। एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड सोयल। अब नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो अपने आप को
रिप्लेनिश नहीं कर सकते, मीन्स द रिसोर्सेज दैट कैन नॉट रिप्लेनिश देमसेल्फ बाय क्विक रिसाइकलिंग, जिसको हम रिसाइकलिंग से रिप्लेनिश नहीं कर सकते, उन्हें हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अब इसका एग्जांपल क्या आएगा नॉन रिन्यूएबल में, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, नेचुरल गैस, ठीक है, ये किसके एग्जांपल हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन आए कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एग्जांपल ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाए नेचुरल रिसोर्स, राइट है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स, राइट है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, राइट है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। अगर ऑल ऑफ दीज भी ना आए, अगर इस इन तीनों में से एक दिया हो तो एक को हम टिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जॉस्टेबल का एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, नॉन रिन्यूएबल अकेले का भी नहीं है और नेचुरल रिसोर्स अकेले का भी नहीं है, मीन्स इन तीनों का ही एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। क्या है ये, नेचुरल रिसोर्स, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स। अब देखते हैं द मटेरियल दैट आर बर्न टू प्रोड्यूस पावर और हीट एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल्स, ठीक है। अब ऐसे मटेरियल जो बर्न होने के बाद पावर और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूल्स बोलते हैं। अब रिमेन ऑफ दैट प्लांट एंड एनिमल ब्यूरिड अंडर द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर एगो आर कॉल्ड फॉसिल्स, ठीक है। मिलियन ऑफ ईयर एगो क्या था, प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट था उसे अर्थ में ब्यूरिड कर दिया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं। फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज दैट रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ब्यूरिड अंडर द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर एगो, सो दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, ठीक है। लेट मी सी, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स के बारे में, दैट इज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कैसे फॉर्म हुए थे, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फॉर्म कैसे हुए थे। अब देखिए, मिलियन ऑफ ईयर एगो जो प्लांट और एनिमल का वेस्ट था वो अर्थ में ब्यूरिड कर दिया गया, अर्थ में दबा दिया गया या अर्थ में दबता रहा, अर्थक्वेक से या फिर अर्थ पे जो भी एक्टिविटीज होती थी उन एक्टिविटीज की वजह से वो सारा अर्थ के अंदर चला गया। तो बहुत टाइम के बाद उनमें रिएक्शन होती रही, तो रिएक्शन होने के बाद जो डेड प्लांट थे, डेड एनिमल थे, वो वेस्ट किस में चेंज हो गया, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में, जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल, यहाँ पर देखो दो टर्म है, फॉसिल भी है और फ्यूल भी है। अब फॉसिल क्या होगा और फ्यूल क्या होगा, फॉसिल क्या होता है, द मटेरियल दैट आर बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है, ऐसे मटेरियल जिन्हें हम बर्न करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे मटेरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल्स, बट फॉसिल क्या है, ऐसे सब्सटेंस, एनिमल का वेस्ट, प्लांट का वेस्ट, जो मिलियन ऑफ ईयर एगो अर्थ के अंदर ब्यूरिड हो गए थे, उन्हें बोलते हैं हम फॉसिल, ठीक है स्टूडेंट। फॉसिल फ्यूल में आप फॉसिल की भी डेफिनेशन जान गए, फ्यूल की भी जान गए, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था अबाउट नेचुरल रिसोर्स, टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल एंड टाइप ऑफ एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, एंड उसके एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, वो कैसे फॉर्म हुए। तो स्टूडेंट आपको अपनी बुक का पेज नंबर 56 अच्छे से रीड कर लेना है। थैंक यू, बाय बाय।